हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रागनी किचन। आज मैं आपको फोर टाइप्स ऑफ हेल्दी स्मूदी बना के दिखाऊंगी। तो चलिए मैं आपको हेल्दी स्मूदी वन बाय वन बना के दिखाती हूँ कैसे बनती है। फर्स्ट डिटॉक्स स्मूदी। डिटॉक्स स्मूदी बनाने के लिए मैंने लिया एक ब्लेंडर, चॉप पीसेस ऑफ ऑरेंज कैरेट। अगर आपके पास छोटा पीस है ऑरेंज कैरेट का तो आप दो कैरेट लेना, अगर बड़ा पीस है तो एक काफ़ी है। ऑरेंज कैरेट के बाद नॉर्मल बनाना डालना है। बनाना आप बड़ा ले रहे हो तो एक ही लेना, मैंने दो लिया है छोटा। अब मैं इसमें जिंजर डाल रही हूँ। जिंजर आप अवॉइड भी कर सकते हो अगर आपको नहीं डालना है तो। टर्मरिक पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर, सिनेमन पाउडर 1 टीस्पून, कोकोनट मिल्क, ये मैंने घर पे ही बनाया है कोकोनट मिल्क, बहुत ही ईजी है। मैं आपको अपने चैनल पे डाल के बताऊंगी घर पे कैसे बना सकते हैं कोकोनट मिल्क। अब इसे ब्लेंड करना है। आप इसमें आइस भी ऐड कर सकते हो, अगर आपको थोड़ा ठंडा चाहिए स्मूदी तो आप इसमें आइस भी ऐड कर सकते हो। मैंने नहीं ऐड किया, आप कर सकते हो ऐड। डिटॉक्स स्मूदी रेडी है, बहुत ही हेल्दी स्मूदी है ये। डिटॉक्स स्मूदी बहुत ही हेल्पफुल है फॉर वेट लॉस एंड फॉर डाइजेशन। तो आप लोग वीक में एटलीस्ट 2 बार इस स्मूदी को ले एज अ ब्रेकफास्ट, और आप इसमें प्रोटीन पाउडर भी ऐड कर सकते हो। अब मैं बनाऊंगी ब्रेकफास्ट स्मूदी विच इज़ द यमीएस्ट एंड द फिलिंग वन। ब्रेकफास्ट स्मूदी बनाने के लिए एक ब्लेंडर लेना एंड फ्रोजन बनाना लेना। उसमें फ्रोजन बनाना को कट करके पीसेस में ब्लेंडर में डाल देना। आप बनानों को 3-4 घंटे स्किन रिमूव करके पील हटा के फ्रीज में रख दो। 3-4 घंटे के बाद ये फ्रोजन बनाना में कन्वर्ट हो जाएगा। आप फ्रोजन बनाना की जगह पे आइस भी डाल सकते हो अगर आपके पास फ्रोजन बनाना नहीं है एट द टाइम ऑफ मेकिंग स्मूदी। अब मैं डाल रही हूँ नॉर्मल मिल्क, फैट फ्री मिल्क 1 कप। अब मैं डाल रही हूँ हंग कर्ड। आप हंग कर्ड के जगह पे योगर्ट भी ले सकते हो जो भी अवेलेबल है आपके पास। हंग कर्ड बनाना बहुत ही ईजी है। नॉर्मल कर्ड को आप रख दो चलनी में, चलनी के ऊपर, और सारा पानी रिमूव कर दो। 2 घंटे से 3 घंटे में सारा पानी रिमूव हो जाएगा। आप देख रहे हो कितना थिक है, थोड़ा भी पानी नहीं है इसमें। अब मैं इसमें रोस्टेड ओट्स डाल रही हूँ। बहुत ही हेल्दी है, मैंने बताया कि बहुत ही यमी होता है ये, बहुत ही फिलिंग होता है। तो रोस्टेड ओट्स नॉर्मल है, आप माइक्रोवेव कर सकते हो 2 से 3 मिनट के ओट्स को, या फिर आप नॉन स्टिक तवा पे 3-4 मिनट में मीडियम आंच पे इसको भून सकते हो तो ये रोस्टेड हो जाएगा। रोस्टेड ओट्स के बाद मैं इसमें चिया सीड डाल दूँ। अगर आपके पास चिया सीड अवेलेबल नहीं है तो आप सब्जा सीड भी डाल सकते हो। चिया सीड के बाद हमें इसमें सॉफ्ट फ्रूट डालना है, कोई भी एक सॉफ्ट फ्रूट डालना। आप मैंगो भी डाल सकते हो, स्ट्रॉबेरी भी डाल सकते हो। मैं पियर ले रही हूँ, आपके पास जो भी अवेलेबल है सॉफ्ट फ्रूट में आप वो डाल सकते हो, एप्पल भी डाल सकते हो। अब इसको ब्लेंड करना है। स्मूदी रेडी है, ब्रेकफास्ट स्मूदी रेडी है। मैं आपको दिखाती हूँ ये कितना थिक होता है। आप इसकी थिकनेस देख रहे हो, ये बहुत थिक भी होता है, फिलिंग भी होता है। तो प्लीज़ आप इसको बनाएं और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं कि ब्रेकफास्ट स्मूदी आपको कैसा लगा। अब बनाएंगे पपाया हनी स्मूदी विच इज़ गुड फॉर योर लीवर, योर डाइजेशन एंड फिलिंग टू। पपाया स्मूदी बनाने के लिए एक ब्लेंडर लेना है,
हाफ पपाया को, एटलीस्ट 250 ग्राम्स ऑफ पपाया को चॉप्ड कर देना स्मॉल पीसेस में। नॉर्मल मिल्क ऐड करना हाफ कप। आप आलमंड मिल्क भी ले सकते हो, कोकोनट मिल्क भी ले सकते हो, मैं नॉर्मल मिल्क ऐड कर रही हूँ। अब इसमें हंग कर्ड ऐड करना। मैंने बताया हंग कर्ड कितना इजी है, सारे पानी को रिमूव कर देना, जो भी कर्ड में पानी होता है वो रिमूव कर देना। 3 टेबलस्पून मैंने हंग कर्ड डाला है। अब इसमें कैश्यू डालना, काजू डालना, फ्यू काजू, मैंने 7-8 पीसेस लिया है काजू। अब इसमें हनी ऐड करना है, इसका नाम ही है पपाया हनी स्मूदी, तो विदाउट हनी तो ये कंप्लीट नहीं होगा, तो इसमें मैं हनी डाल रही हूँ। ऑलरेडी बनाना मीठा होता है, बट अगर और आपको स्वीटर करना है तो आप मेपल सिरप, हनी, दोनों में से कोई भी आप ऐड कर सकते हो, तो मैंने हनी ऐड किया। आप बाकी स्मूदी में भी हनी ऐड कर सकते हो, अगर आपको थोड़ा ज़्यादा स्वीटर चाहिए तो मेपल सिरप, हनी, दोनों में से कुछ भी आप ऐड कर सकते हो। अब मैं केसर डाल रही हूँ, सैफ्रॉन 8-10 कली मैंने डाला है। अगेन केसर इज ऑल्सो गुड फॉर योर हेल्थ। अब इसको ब्लेंड करना है। पपाया हनी स्मूदी भी रेडी है। पपाया हनी स्मूदी भी बहुत ही फिलिंग होता है और बहुत ही यमी होता है, तो इसको भी आप लोग ट्राई करें घर पे एंड कमेंट बॉक्स में बताएं कैसा लगा। अब हम बनाएंगे एप्पल बनाना स्मूदी। एप्पल बनाना स्मूदी इज़ वेरी गुड फॉर बूस्टिंग योर एनर्जी, यू कैन हैव इट बिफोर वर्कआउट और आफ्टर वर्कआउट। एप्पल बनाना स्मूदी के लिए हमें फ्रोजन बनाना लेना है। बनाना आर द मोस्ट प्राइमरी यूज इंग्रेडिएंट्स इन स्मूदीज एंड वी यूज फ्रोजन बनाना सो दैट द स्मूदी गेट क्रीमी टेक्सचर। आप बनाना की जगह पे आप बेरीज भी ले सकते हो, स्ट्रॉबेरी भी ले सकते हो, बट आपको उसमें मेपल सिरप या हनी ऐड करना होगा स्वीटनर के लिए। अब मैं इसमें चॉप्ड एप्पल डाल दूँ, 1 एप्पल मैंने लिया मीडियम साइज़ का और 10 टू 15 पुदीना लीव्स, हाफ कप ऑफ वनीला मिल्क, नॉर्मल मिल्क या आलमंड मिल्क, कोई भी मिल्क में वनीला एसेंस ऐड करना एंड आफ्टर एडिंग एसेंस इट विल बी कॉल्ड वनीला मिल्क। अब मैं इसमें रोस्टेड ओट्स डाल रही हूँ। मैंने बताया रोस्टेड ओट्स कैसे बनाते हैं, प्रिपेयर करते हैं, नॉर्मल है, माइक्रोवेव या फिर तवा पे भूनना है 2 से 3 मिनट के लिए। अब इसको ब्लेंड करेंगे। ब्लेंड करने के बाद एप्पल बनाना स्मूदी रेडी है। ये भी बहुत ही फिलिंग होता है और यमी होता है, तो प्लीज़ इस स्मूदी को बनाएं घर पे और प्लीज़ बताएं कि आपको इसका टेस्ट कैसा लगा और ये फिलिंग था या नहीं। तो चलिए फिर अब स्मूदीज को गार्निश करते हैं। डिटॉक्स स्मूदी को पहले गार्निश करते हैं। डिटॉक्स स्मूदी को गार्निश करने के लिए मैंने लिया फ्रेश क्रश्ड कोकोनट। इसमें मैंने कोकोनट मिल्क ऐड किया है तो इसलिए मैं इसको कोकोनट से गार्निश कर रही हूँ, चॉप क्रश कोकोनट से गार्निश कर रही हूँ। कोकोनट अगेन बहुत ही हेल्दी होता है।
अब मैं ब्रेकफास्ट स्मूदी को चिया सीड से गार्निश कर रही हूँ। आप सब्जा सीड भी यूज़ कर सकते हो। चिया सीड इज़ लोडेड विद एंटीऑक्सीडेंट एंड हाई इन प्रोटीन एंड फाइबर विच विल हेल्प यू टू लूज वेट। अब मैं इसमें पियर ऐड कर रही हूँ गार्निश के लिए, 2 small pieces ऑफ पियर, क्योंकि इसमें मैंने पियर डाला। आप मैंने पहले बताया कोई भी फ्रूट, सॉफ्ट फ्रूट इसमें ऐड कर सकते हो। अब पपाया स्मूदी में मैं पपाया के 2 pieces मैं ऐड कर रही हूँ गार्निश के लिए। उसको मैंने कट करके साइड में गार्निश के लिए डाला है। अब मैं इसमें सोक्ड चिया सीड डाल रही हूँ। मैंने 1 spoon ऑफ चिया सीड को 3 spoon ऑफ वाटर में सोक्ड किया है 5 to 10 minutes के लिए। नॉर्मल चिया सीड मैंने दिखाया है कि कैसा दिखता है, अभी मैंने ब्रेकफास्ट स्मूदी में डाला और पपाया स्मूदी में मैंने सोक्ड किया हुआ चिया सीड डाल रही हूँ। अब मैं इसमें केसर डाल रही हूँ। चिया सीड मैंने बताया बहुत ही हेल्पफुल होता है वेट लॉस के लिए, हाई इन फाइबर एंड प्रोटीन। अब मैं एप्पल बनाना स्मूदी में मिंट लीव ऐड कर रही हूँ। इसमें मैंने मिंट लीव ऐड किया है स्मूदी में, तो मिंट लीव मैं डाल रही हूँ। मिंट लीव के बाद मैं पम्पकिन सीड डाल रही हूँ। आप कोई सा भी नट्स ले सकते हो, आप पिस्ता से गार्निश कर सकते हो, कैश्यू से कर सकते हो, रेजिन से कर सकते हो, जो भी आपके पास अवेलेबल है आप उससे गार्निश कर सकते हो स्मूदी को। अब मैं इसमें चॉकलेट सिरप डाल रही हूँ। ये ऑप्शनल है, आप किसी भी चीज़ से जैसा कि मैंने बताया गार्निश कर सकते हो। स्मूदी गार्निश हो चुका है, तो स्मूदी रेडी है। तो प्लीज़ स्मूदी को, हेल्दी स्मूदी को घर पे बनाएं एंड कमेंट बॉक्स में बताएं कि स्मूदी आपको कैसा लगा। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि मेरे आगे के वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।